मैं आप सभी प्यारे और लाडले दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। न्यू सब्सक्राइबर और पहले के सब्सक्राइबर का भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के दैनिक राशिफल के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका या तो आज जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई स्पेशल डे है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप कोशिश करें कि गुरुवार है, गुरु से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु, स्टडी मटेरियल, यूनिफॉर्म, स्कूल फीस, स्कॉलरशिप, घर में ऐसी कोई पढ़ी लिखी या पढ़ाई जाने वाली चीज़ें जो आपके काम नहीं आती है उनको ज़रूर डोनेट करना चाहिए। और पीली वस्तुएं जैसे हल्दी, चना, फल, पीले फल आदि का दान करना चाहिए। आज 24 जनवरी गुरुवार है। चंद्रमा की बात करें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के सिंह राशि में रहेंगे, वो भी शाम को 6:20 तक। उसके बाद सिंह राशि में रहेंगे लेकिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, और वो भी रात को 11:48 तक रहेंगे। उसके बाद कन्या राशि में जाएंगे, माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि आज रात को 8:53 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि रहेगी। शुभ दिन के साथ साथ आज ग्रहों से बनने वाले विशेष राजयोग जैसे बुध आदित्य योग, गज केसरी योग और गुरु मंगल के परिवर्तन योग के बारे में आप जानते हैं, वो चल रहा है। अगर आप आज कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर साइन करना है, कोई फैसला लेना है, कोई ऐसी मीटिंग करनी है, तो आप कोशिश करें कि सुबह 8 से 9 या शाम को 5 से 6 ये टाइम आपके लिए बेस्ट है। लेकिन दोपहर को 1:30 से 3 के बीच में जब राहु काल रहता है तो ये शुभ और मांगलिक कार्य थोड़ा सा वर्जित रहते हैं। अब मैं आपको अपनी कुछ डेट बता रहा हूं। मैं कल बड़ौदा और अहमदाबाद रहूंगा, 26 जनवरी को दिल्ली और 27 जनवरी को गुरुगाम जिसे गुड़गांव कहते थे, 2-3 फरवरी को कोलकाता, 4 फरवरी को भुवनेश्वर उड़ीसा और 5 फरवरी को जमशेदपुर रहूंगा। और जो लोग भारत से बाहर रहते हैं वो 16 फरवरी को काठमांडू, 28 फरवरी और 1 मार्च को दुबई और 9-10 मार्च को सिंगापुर में मुझसे मिल सकते हैं। अगर आप इन शहरों या देशों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अब आज को सफल बनाने का मेरा गुरु मंत्र जान लें, हो सके तो इसे अपना लीजिएगा। देखिए, यदि आपका विश्वास अटल और हौसला बुलंद है तो संसार में ऐसी शायद ही कोई चीज होगी जिसे आप प्राप्त न कर सकें। आप सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अपने पर विश्वास जरूर रखिएगा। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो कर्क राशि के राहु रहेंगे, सिंह से कन्या राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं, शुक्र और गुरु का शंख योग वृश्चिक राशि में रहेगा, धनु राशि के शनि हैं, सूर्य बुध और केतु मकर राशि में रहेंगे, मंगल मीन राशि में रहेंगे। इसी से मैंने आपका आज का राशिफल तैयार किया है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले लोगों को आज अपना पूरा ध्यान, अगर आपके बच्चे हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि बच्चे अपने आप ही सारा काम कर ले, आप बच्चों के साथ बैठिए, उनके सुख और दुख के भागीदार बनिए, उनके दोस्त बनिए, आज ये काम जरूर करिएगा। और कोशिश करें कि बच्चों के किसी प्रकार की बीमारी है, तकलीफ है, उस पर विचार करिए, उनकी सुरक्षा पर विचार करिए, ये जरूर करना चाहिए। मान लीजिए आप खुद ही बच्चे हैं तो खुद की सुरक्षा, अपने पेरेंट्स को आप क्या बेहतर दे सकते हैं, इस पर विचार करिए। बिजनेस में काम काज का बोझ बढ़ जाने से मानसिक अशांति तथा तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आज मैस नहीं होना चाहिए। सिस्टोमैटिक डिसिप्लिन में ज्यादा से ज्यादा काम करें, जल्दी ऑफिस जाएं और अपने पुराने पेंडिंग काम को जरूर निपटाएं। आज जितना धीरज, धैर्य और संयम यानी पेशेंस रखेंगे, वर्क प्लेस पर आज आपको किसी मुसीबत या झंझट से निकलने का मौका मिल जाएगा। सरकारी कर्मचारियों की दिनचर्या में बदलाव आ सकता है। फैमिली में आज आपको अपने ही लोग कुछ हद तक परेशान कर सकते हैं। जो लव अफेक्शन और इस प्रकार के प्यार या प्रेम प्रसंग से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आज किसी को मौका मिल सकता है अपने माता पिता से मिलवाने का, उनको प्रपोज करने का, ये आपके लिए खुशी का दिन है। विदेश में जो लोग ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं या जाना चाहते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से आने वाला वक्त बहुत अच्छा है, तो अपने प्रयासों को थोड़ा और बढ़ाएं और अपनी हद को पहचान कर काम करें। घुटनों और कूल्हों में दर्द की समस्या आज परेशान कर सकती है। लकी कलर पर्पल, नंबर 1 शुभ है, शुभ अल्फाबेट LOP है, UV से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। वृषभ राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान, अगर आपके पास गाड़ी है उसकी ठीक ठाक कराने के लिए, उसका टायर बदलना है, उसके बारे में कोई चीज है, नई गाड़ी लेनी है, उस पर विचार करना जरूरी है। आज आपको किसी भी तरह की पढ़ाई जरूर करनी चाहिए अपने फील्ड के लिए। वैसे मैंने आपको जनवरी माह के मंथली राशिफल जो मैं अलग से बताता हूं उसमें बताया था कि 24 जनवरी को चंद्रमा चौथे रहेंगे, जो हो सकता है कि कुछ मानसिक अशांति आपको दे दे,
तो अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें और कूल रहें। वहीं बिजनेस में आज जरूरी काम सबसे पहले पूरे करें, क्योंकि हो सकता है किसी और चीज के लिए आपको जाना पड़ जाए या कोई यात्रा भी हो सकती है। रोजगार के क्षेत्र में आज व्यस्तता बहुत रहेगी। सरकारी कर्मचारी स्वयं के कार्य से काफी हद तक खुश रहेंगे। वहीं परिवार के सभी सदस्य आपकी बातों का अनुसरण करेंगे। लव पार्टनर में आज आपको लव पार्टनर की हर बात माननी चाहिए, क्योंकि वो गलत नहीं कह रहा या कह रही है। उच्च शिक्षा से संबंधित जानकारी के लिए काउंसलर की सलाह जरूर लीजिए। पेट पे खराबी आ सकती है, खाने पीने की चीजों का ध्यान रखें। आज एक स्पेशल डे है आपके लिए, स्पेशल काम जरूर करेगा। लकी कलर ग्रेड नंबर 3 शुभ है, शुभ अल्फाबेट ए पी आर है। एल एस से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। मिथुन राशि वाले लोगों का अपना पूरा ध्यान अगर आपके कोई भाई बहन है उनकी तरफ जरूर होना चाहिए, और कोशिश करें दोपहर के बाद अपने माताजी की सेहत पर विचार करिए, उनके पैरों को दबाइए, उनको अच्छे डॉक्टर से मिलवाइए, उनकी तकलीफ को दूर करने की तरफ सोचिए। बिजनेस में कोई अच्छी खबर आपका इंतजार कर रही है कि आप कब ढंग से मेहनत ईमानदारी से करें और आपको खबर मिल जाए, वो भी अच्छी। रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजनाएं सार्थक बन सकती है। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको निश्चित रूप से आज अप्लाई करना, इंटरव्यू में सफलता मिलना या नई नौकरी मिलने के बारे में आज बहुत शुभ दिन। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को आज सीनियर्स नापसंद करेंगे। आपकी लेट लतीफी, आपकी किसी प्रकार की जो हम बहानेबाजी करते हैं उससे आपको तकलीफ आएगी। वही जीवन साथी से आज आप अपने मन की बात शेयर जरूर करें। लव लाइफ में नए संबंध बन सकते हैं। वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट को आज सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। अपनी काबिलियत को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचान के काम करेगा। गंभीर जिनको सांस की बीमारी है या हाई ब्लड प्रेशर रहता है, अस्थमा की बीमारी है, उनके लिए आज दिन ठीक नहीं है। लकी कलर व्हाइट नंबर 2 शुभ है, शुभ अल्फाबेट जे एम ओ है। पी आर से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। कर्क राशि वाले लोगों को अपना पूरा ध्यान अपने फाइनेंसेस की तरफ होना चाहिए। आपका धन कहां से आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, इस पर ध्यान देना चाहिए। आप मजबूत हैं, आप ताकतवर हैं, आप किसी से सहायता लेने के बारे में मत सोचिए। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं श्रीमाली जी हमें तो कोई मदद ही नहीं करता है। आप क्या लाचार हैं, अपाहिज हैं, कोई हाटांग टूटे हुए हैं, कोई बीमार है, मानसिक बीमार है? क्यों आपको किसी की सहायता चाहिए? खुद को सशक्त बनाइए, अपनी कमजोरी को अपने सबसे बड़ा हथियार बनाकर आगे बढ़िए और लोगों के लिए मिसाल बन सकते हैं, इसलिए खुद पर विश्वास करिए। वही बिजनेस में आज आप विरोधियों से राहत प्राप्त करेंगे। करियर में आगे बढ़ने के नए मौके भी आपको मिलेंगे। वहीं सरकारी कर्मचारी आज अपने कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कोई नए तरीका अपनाइए, शॉर्टकट मत अपनाइए। परिजनों को अहम फैसले लेने में आज मदद मिलेगी। लव लाइफ में लव पार्टनर का मूड ठीक नहीं है, इसलिए आप जले पर नमक छिड़कने का काम मत करेगा। छोटी सी बात का भी बखेड़ा बन सकता है। स्टूडेंट ने जो नोट्स बनाए हैं उसी से पढ़ें, जो टाइम टेबल बनाए उस पर अमल करें। ये बनाने के लिए नहीं था, ये अमल में लाने के लिए था। दूसरों पर बिल्कुल भी निर्भर आज न रहें। गैस, एसिडिटी, कब्ज, जलन की परेशानी दे सकती है। ज्यादा खट्टी चीज़ों का परहेज करें। लकी कलर ब्लू नंबर 5-4 शुभ है, माफ करेगा, और जी जे के आपके लिए शुभ अल्फाबेट है। टी यू से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। सिंह राशि वाले लोगों को अपना पूरा ध्यान अपने मन और जो शरीर है इन दोनों पर होना चाहिए। आपकी कुटुंब वाले तारीफ करेंगे, आप तारीफ के काबिल काम जरूर करें। बिजनेस में की गई कारोबारी यात्राओं का पूरा फायदा मिलेगा। और भी कई तरह का ट्रैवल करना है तो ट्रैवल के लिए दिन बहुत अच्छा है। वर्क प्लेस पर आज आप बेचैनी अनुभव करेंगे, थोड़ा मानसिक अशांति, टेंशन, डिप्रेशन, अज्ञात भय, ये भी आपको परेशान करेगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों को अपनी जुबान पर बहुत काबू रखना पड़ेगा, वरना अपने ही लोगों के आप डांट के शिकार बनेंगे। जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़े से परेशान रहेंगे। वह लव लाइफ में आज जो जी चाहे वो काम जरूर करिएगा, लेकिन तोल मोल के बोलिएगा जरूर। स्टूडेंट आज स्टडी से रिलेटेड जरूरी काम समय पर निपटा लें। जोड़ों का दर्द हल्का सा परेशान कर सकता है, अखरोट खाना मत भूलिएगा। लकी कलर बैरून नंबर 7 शुभ है, शुभ अल्फाबेट जी एन आर है। ए सी से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। कन्या राशि वाले लोगों के लिए अपना पूरा ध्यान। अगर आप अपनी कोई सुरक्षा के लिए उसमें देखते हैं कोई सेंध डाल रहा है, या सुरक्षा में कोई आपके लिए परेशानी है, लीगल कॉम्प्लिकेशन है, कोई आस पड़ोस से झगड़ा है, उसको निपटाने की कोशिश करिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपना ध्यान अपने स्वभाव को और बेहतर करने की तरफ होना चाहिए। वैसे मैंने आपको जनवरी माह के मंथली राशिफल में बताया था कि 24 जनवरी को चंद्रमा 12वें रहेंगे, जो हो सकता है कि कुछ मानसिक अशांति का समय आपके लिए रहे। तो आज आप कूल रहें, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें। बिजनेस में आज पैसों के लेन देन में सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए।
वर्क प्लेस पर आज आपको विरोधियों का जो सामना करना पड़ेगा, उनकी तकलीफों को आपको सुलझाना चाहिए। आप विरोधियों के विरोध को और ना बढ़ने दें, जबकि उसे कूल रहकर शांत करें। वहीं सरकारी कर्मचारियों की बाहरी यात्रा हो सकती है, बॉस के साथ ट्रैवल करना पड़ सकता है, मंत्री जी के साथ ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपको बहुत आनंद आएगा। बिजीनेस के चलते घरेलू कामकाज पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। लव लाइफ में आज आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है, इसलिए आप समझें, आने वाले संकट को पहले से पहचान कर इंसान को उसका निस्तारण यानी उपाय कर लेना चाहिए। स्टूडेंट का फ्रेंड से किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है, ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। डाइजेशन की समस्या आज आपको परेशान कर सकती है। लकी कलर रेड, नंबर 5 शुभ है, शुभ अल्फाबेट जे एम पी है, सी आर से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। तुला राशि वाले लोगों को अपना पूरा ध्यान बड़ी बहन की तरफ होना चाहिए और कोशिश करें कि आपके खर्चे कैसे पूरे होंगे, इसके लिए इनकम कहां से आ सकती है, इस पर विचार करिए। बिजनेस में आज आपके लिए जो बदलाव होंगे वो अच्छे होंगे, उन्नति के लिए होंगे। आपको पुराने कॉन्टैक्ट्स को निकालकर उनको मैसेजेस करिए, नए कॉन्टैक्ट बनाइए। वो इंसान को दुकान खोलने का अधिकार नहीं है जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो, इसलिए हर बिजनेसमैन के चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप ज्यादा समझते हैं, आप बिजनेस करते हैं। वर्क प्लेस पर आपके साथ काम करने वाले लोगों की मदद करने का काम जरूर करेगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों का घूमने फिरने और मनोरंजन के साथ साथ बहुत अच्छा काम भी हो जाएगा, यानी बिजनेस विद प्लेजर। सरकारी पक्ष से उपहार आपको मिल सकता है, रोमांच के लिए आज आपको अवसर मिलेगा और आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपको अच्छा पार्टनर मिला है। विदेश में पढ़ रहे या पढ़ने जाने वाले स्टूडेंट के लिए निश्चित रूप से यह समय बहुत अच्छा है। खांसी, जुकाम और मौसमी बीमारी थोड़ा सा परेशान कर सकती है, हल्का सा बुखार भी आपको परेशान कर सकता है। लकी कलर पिंक, नंबर 4 शुभ है, शुभ अल्फाबेट एम आर एस है, वहीं बी और जी से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। वृश्चिक राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने काम की तरफ होना चाहिए। कई बार हम दूसरों के काम में दखल अंदाजी करते हैं या रस लेते हैं, उससे हमारा ही नुकसान है। बिजनेस में आज आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। कानूनी कामकाज में जीत हासिल हो सकती है, लीगल जो सलाह लेनी आपके लिए जरूरी है। वर्क प्लेस पर आज आप अपनी दिनचर्या में बदलाव के लिए आतुर रहेंगे, बदलाव करिए, अपने रूटीन लाइफ बंद जिए। वही सरकारी कर्मचारी मन चाहे जगह पर दबाव ले से ट्रांसफर से बहुत खुश हो जाएंगे। भौतिक ऐश्वर्य यानी मटेरियलिस्टिक चीजें जो पैसों से खरीदी जा सकती है, वो सुख सुविधाएं आपके घर में, आपके ऑफिस में बढ़ने से आप काफी खुश होंगे। भरोसे के बल पर प्रेम परवान चढ़ेगा, कीर्तिमान भी स्थापित करेगा। अपने माता पिता से बात करने का वक्त आ चुका है कि आप अपने माता पिता को अपने प्रेम के बारे में बताएं। ज्यादा तली भुनी चीजों से परहेज करें, पेट खराब आपका ही होने वाला है। लकी कलर नेवी ब्लू, नंबर 9 शुभ है, शुभ अल्फाबेट आर टी वी है, डी के से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। धनु राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने आप को भाग्यशाली मानने में ही समझदारी है, इसमें कोई अहंकार नहीं है। लेकिन आप अपना दोपहर के बाद का समय अपने पिता के साथ बिताएं, पिता के आदर्शों पर बिताएं और उनके विचारों को अपनाने की कोशिश करें। व्यापार में आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, इसके लिए आपको जल्दी काम पर जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा काम निपटाने चाहिए, लाभ किसी भी प्रकार से आज होगा जरूर। वर्क प्लेस पर आज आपके मन में जोश और उमंग रहेगा। वही गवर्नमेंट कर्मचारियों की मनचाही जगह पर ट्रांसफर होने से बहुत खुश नजर आएंगे। फैमिली के साथ खरीदारी होगी। लव लाइफ में आज मामूली उतार चढ़ाव भी आपको परेशान कर सकते हैं। वही स्टूडेंट अध्ययन में आ रही समस्या के हल करने के बारे में आप सोच सकते हैं, आपके लिए लाभदायक समय रहेगा। पाचन तंत्र थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। लकी कलर गोल्डन, नंबर 8 शुभ है, शुभ अल्फाबेट जे एल एम है, जी एस से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। मगर राशि वाले लोगों के लिए हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने हायर एजुकेशन की तरफ होना चाहिए। अब आप 50 साल के व्यक्ति हैं, आप कहते हैं मुझे हायर एजुकेशन की क्या जरूरत है, आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं या करती हैं, तो आपको अपने फील्ड की कोई स्पेशल पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। वैसे मैंने आपको जनवरी माह के मंथली राशिफल में बताया था कि 24 जनवरी को चंद्रमा 8वें रहेंगे, जो हो सकता है कि कुछ मानसिक अशांति आपको दे दे, तो अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें। एक्स्ट्रा इनकम, अदर सोर्सेस इनकम, बिजनेस हो या जॉब में, उस पर दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। एक आइडिया आपको आज जरूर आएगा जो निश्चित रूप से आपके काम बढ़ा सकता है, आपकी आमदनी को बढ़ा सकता है। वर्क प्लेस पर आज प्रमोशन मिलने के
चांसेस भी ज्यादा है या उसके बाद चलने के चांसेस ज्यादा है। सरकारी कर्मचारियों को आज आपको अपने आप को बेहतर साबित करने का अवसर जरूर मिलेगा। मैरिटल लाइफ के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि पति पत्नी आप साथ ही रहने वाले हैं, तो लड़ाई झगड़े को हटाइए, प्रेम को लेकर आइए। लव पार्टनर के साथ आज का दिन रोमांच और रोमांस से बेहतर समय हो सकता है, यानी आप जैसा चाहते हैं वैसा आपका दिन आज गुजर सकता है। स्टूडेंट, तनाव को दूर करने के लिए योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, थोड़ा खेल कूद का सहारा लें और उसके बाद दिन रात एक कर दीजिए पढ़ाई में, क्योंकि वक्त आ चुका है पढ़ने का। सेहत के मामले में आपको पहले से बेटरमेंट हो रहा है। लीवर और किडनी का, क्रिएटिनिन की आप जांच जरूर करवा लें, कुछ तकलीफ हो सकता है आपको निकल जाए, मुझे ऐसा लगता है, भगवान नहीं करे, लेकिन आप चेकअप जरूर कराएं। लकी कलर ब्राउन, नंबर 3 शुभ है, शुभ अल्फाबेट FLR है, ए वी से दूरी बनाकर रखें, भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। कुंभ राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान माइंड योर ओन बिजनेस यानी खुद के काम पर होना चाहिए, उस व्यापार को बढ़ाइए, नौकरी को बढ़ाइए अपना ध्यान। अगर आप शादीशुदा है तो अपने ससुराल की तरफ थोड़ा सा दीजिए, उनको हो सकता है आपके ब्लेसिंग या आपके साथ की जरूरत हो। बिजनेस में आज आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नया टेंडर मिल सकता है, नया कुछ लाभ मिल सकता है, नया कॉन्ट्रैक्ट से फायदा होगा। वहीं वर्क प्लेस पर पिछले कई दिनों से रुके हुए काम आज भी आपके पूरे नहीं हो पाएंगे, आपकी लेट लतीफी, आपके आलस्य से आप परेशान होंगे। सरकारी कर्मचारियों को आज बेहतरीन कार्य के लिए मान सम्मान और पारितोषिक मिल सकता है। बड़ों का प्रेम व आशीर्वाद मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। आप पैसों की स्थिति के कारण लव लाइफ में कोई समझौता कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज अध्ययन में कुछ नया करने के चक्कर में न पड़े, समय और काफी चीजें बर्बाद हो सकती है, तो जो रूटीन है उसे अपना के चलें। सेहत में पहले से बेटरमेंट हो रहा है। लकी कलर सिल्वर, नंबर 1 शुभ है, शुभ अल्फाबेट LST है, EN से दूरी बनाकर रखें, भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। आज की आखिरी राशि मीन राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है कि आप अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, आपकी तरक्की आपके दुश्मनों के लिए दिन का चैन और रात की नींद हराम कर रही है। वो शत्रु कहीं आपका बुरा तो नहीं करना चाह रहे हैं या कर तो नहीं रहे, इस पर आप थोड़ा सा विचार करिए और जब भी समय मिले पति पत्नी के संबंध को और बेहतर करने के लिए तरफ आपको सोचना चाहिए। बिजनेस में नए कार्यों के क्रियान्वयन के लिए प्रयत्न तीव्र करते हैं यानी और तेज करते हैं। बिजनेस की दृष्टि से आपको लाभदायक यात्राएं हो सकती है, यानी यात्रा आपको करनी चाहिए, जो फिरेगा वो चरेगा। वर्क प्लेस पर आज आपके विरोधी भी आपके कार्य के कायल हो सकते हैं, परफेक्शन अपनाइए। सरकारी कर्मचारियों को वर्क से ज्यादा वर्क में लाभ ज्यादा मिलेगा, इसलिए ज्यादा काम करें, ज्यादा लाभ कमाएं। घर के लिए कुछ नया खरीदना या ऑफिस के लिए नया खरीदना खर्चे का आज योग बन रहा है। लव लाइफ में आज अगर आपको रिश्ते को अच्छे बनाए रखने के लिए अपने लव पार्टनर पर भरोसा करना चाहिए। क्लास में, सेमिनार में और अन्य मौकों पर प्रश्न पूछिए, उत्तर, कोई प्रश्न आपसे पूछता है तो उत्तर दीजिए, घबराइए मत, अपने आप को प्रूव करिए। आज मसल पेन और हार्ट की तकलीफ जिनको है उनके लिए दिन ठीक नहीं है, अपना ध्यान रखें। लकी कलर स्काई ब्लू, नंबर 7 शुभ है, शुभ अल्फाबेट OPR है, DF से दूरी बनाकर रखें, भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। राशिफल के बाद अब मैं आपको वो खास उपाय बताता हूं जो निश्चित रूप से गुरुवार को भाग्योदय कारक वार बना सकते हैं। छोटे छोटे उपाय बताता हूं, हो सके तो अपनाइए। देखिए, गुरुवार का दिन है, तुलसी के पौधे में, मेरा ऐसा मानना है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और जो वो पनपता है तो वो घर भी पनपता है, जिस घर में तुलसी नहीं पनपती है उस घर में कोई न कोई दोष जरूर होता है। ये मैं सुपरस्टिशियस बातें नहीं कर रहा हूं अंधविश्वास की, लेकिन ये सत्य है। मानो तो बहुत अच्छा है, नहीं मानो तो आपकी अपनी इच्छा है। तुलसी का जो पौधा है उस पर सूर्य को जल देते हुए जल अर्पित करके 11 दीपक प्रज्वलित करें, ये सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं, तथा उसके समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर करें। घर में सुख समृद्धि और व्यापार वृद्धि, बच्चों की उन्नति के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। ये काम अगर आप करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। ऐसा नहीं करते तो जरूर नहीं कि दिन कोई खराब गुजरेगा, लेकिन और अच्छा गुजर सकता है। आप मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आप ग्रहों का खेल .co.in वेबसाइट पर जाकर बहुत सारी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। मेरी ग्रहों का खेल मासिक पत्रिका है जिसके सदस्य बनने के लिए भी आप सभी को आमंत्रित करता हूं। देखिए, इस ये डेली राशिफल है, इसके अलावा बहुत सारे मंथली राशिफल और दूसरे प्रोग्राम्स भी आते हैं जिसे आप YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपका आज दिन बेहतर गुजरे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और अपनी जुबान को यहीं विराम देने के लिए आप सभी से इजाजत लेना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरे नवंबर और दिसंबर का स्केड्यूल मैं बता रहा हूं। बहुत सारे लोग जो जिंदगी में अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं,
और उन्हें लगता है कि उनका समाधान कहीं ज्योतिष और अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो सही है। क्यों? क्योंकि भाग्य को हम बदल नहीं सकते, लेकिन सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं अपने सही कर्म के द्वारा। लेकिन सही कर्म का चयन आप करेंगे या फिर हम आपके ग्रहों के आधार पर आपको चयन करने के लिए सुझाव देंगे। जैसे बाहर बरसात हो रही है, हम छाता खोलते हैं, बरसात बंद नहीं होती है, लेकिन हम नहीं भीगते हैं। निश्चित रूप से हमने एक संकट को टाला है अपनी सूझबूझ और समझदारी से। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी विशेष परेशानी से जूझ रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके शहर, आपके देश, आपसे मिलने के लिए। नवंबर और दिसंबर माह में मैं इंडिया और अब्रॉड में कुछ डेट्स और कुछ शहरों के नाम ले रखा हूं। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, इन शहर, देश में या इसके आसपास रहते हैं, तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, जबकि हमारे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी कहते हैं भाग्य लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे। जी हां, यह बात एकदम सही है। यदि आप चाहते हैं अपने कर्मों द्वारा भाग्य में बदलाव और जानना चाहते हैं अपने जीवन का भविष्य, साथ ही अपने जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या, जैसे बच्चों की एजुकेशन, उनके करियर और विवाह, आपका जॉब या बिजनेस, ट्रैवलिंग, फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। गुरुदेव न केवल उन सवालों का जवाब देंगे, बल्कि आपकी समस्याओं को दूर करने के उपाय और बेहतर जीवन जीने के कुछ सुझाव भी देंगे। इसके लिए आप गुरुदेव से पर्सनली मिल सकते हैं, टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहे तो अपनी या परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। ये जन्म कुंडली विश्लेषण आप टेलीविजन के माध्यम से या फिर कंप्लीट फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.grahonkakhel.co.in पर एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा, या सीधे हमारे इंडिया में आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के इस नंबर पर, जो है 0091982902625 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एड्रेस: सुरेश श्रीमाली, हाई कोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, इंडिया। कॉन्टैक्ट नंबर है 0091982902625। ईमेल एड्रेस है info@grahonkakhel.co.in।